हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आशा करती हूँ। और मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी बिट्टो की तबीयत नहीं सही है कई दिनों से। मैंने परसों वाले ब्लॉग में बताया था, कल मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं था। परसों वाले ब्लॉग में बताया था कि उसको बुखार आ रहा है और तबीयत नहीं सही है। फतेहपुर ले गए थे परसों, फिर आराम ही नहीं मिली, तो आज दोस्तों कानपुर लेके गए। बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो गई है, कुछ खाती ही नहीं है, जो भी खाती है उल्टी कर देती है। पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर बोल रहे पीली हो गई, आंखें भी बहुत पीली पीली हो गई थी उसकी, कुछ भी नहीं खा रही थी। हमें भी शंका हो रही थी कि लग रहा है इसको पीलिया हो गई है, क्योंकि उसकी आंखें पीली थी ना, इसलिए। तभी तो कल मन ही नहीं लग रहा था। कल उसकी तो पूरी तबीयत दो दिन से कुछ ज़्यादा ख़राब थी, सारा दिन लेटी रहती थी, ना कुछ खाती थी, और जो भी कुछ खिला दो तुरंत पलटी कर देती थी। क्या है, जब बच्चे ठीक होते हैं तो अच्छा लगता है घर में, जब कोई बीमार होता है तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी, ना वीडियो बनाने में मन लगे ना कुछ भी। और उसको फीवर पहले से ही आ रहा था, हम जब ससुराल गए थे उसके दो दिन पहले फीवर आ गया था, तो दवा ववा ले लिया, खिला दिया था, हमने सोचा सही हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे पता नहीं कैसे क्या हो गया, कुछ समझे नहीं आ रहा। बस यही कहेगी कि जी मचलाता है, दोस्तों धूप भी नहीं निकली है, ठंडी भी बहुत है, आज खूब हवा तेज चल रही है और धूप एक भी नहीं है, बादल है, बूंदे पानी भी बरस रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं भैया जल्दी सही हो जाए हमारी बिट्टो, तने उस दिन सर्दी लग गई थी, संडे वाले दिन नहलाया था बाल धुल के, कपड़े पहने हुए नहीं थी, वह मोटरसाइकिल में बगल में लड़की के साथ घूमने चली गई बाजार में, गेस्ट हाउस में, मौसम ऐसा ही था ठंडा खूब, तो उस दिन लग रहा सर्दी लग गई, सर दर्द हो रहा कह रही, फिर इसके बाद उसी दिन से बुखार आने लगा। बुखार आते आते पहले पलटी वल्टी नहीं करती थी, सिर्फ बुखार आया, उसके बाद दवा ववा हम लोग खिलाते रहे, पलटी करती है, तो वही समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया इसको। तभी हमने कहने लगे आज हम इसको कानपुर लेके जाएंगे बच्चों वाले डॉक्टर के पास, तभी उसी का ट्रीटमेंट चालू है। डॉक्टर बता रहे हैं कि पीलिया हो गई है, अगर दवा देखो देते हैं, कह रहे थे आराम मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको भर्ती करेंगे। क्या बताया जाए, किस्मत में जब बुरा वक्त होता है ना तो चारों तरफ से। उस दिन उनके गांव गए थे तो खाना खिला रहे थे, नीचे पड़ा होगा कुत्ता, पैर पड़ गया तो कुत्ते ने काट लिया पैर में, एक वो भी दिक्कत। कल इंजेक्शन, परसों इंजेक्शन लगवाए थे, आज संडे था, सोच रहे थे तो कहीं से दवा खाएंगे, बगल में गांव में खिलाते हैं, अब वो बिट्टो परेशान है तो वो ज़रूरी है। वही तो बता रहे हैं कि आज गिरा दशा खराब चल रही है। जब वक्त नहीं अच्छा होता तो बुरा वक्त ही चल रहा है। क्या बता, एक ना एक कुछ ना कुछ लगा ही है, इसीलिए हम ब्लॉग नहीं बना पाए दोस्तों। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया,
बस ये भिट्टो के कारण नहीं बनाया। जब तबीयत सही हो, अच्छे घर में सब लोग स्वस्थ हो, तो मन लगता है हर चीज। अब देखो क्या होता है, अभी उसी का ट्रीटमेंट चालू। अभी फोन करके हम पूछे थे, क्योंकि हम तो घर ही में हैं, क्योंकि बस उसका बउआ का स्कूल है, तो हमको इसीलिए रुकना पड़ा। नहीं, वर्क उसका पछिल जाता है। अभी 3 दिन गए थे, 3 दिन हो गए तो नहीं गया, तो काफी वर्क पछिल गया। बोले बाबा राधे राधे, सही हो जाए भगवान, सही कर दो हमारी बिट्टो रानी को जल्दी से। समझो इतनी दुबली हो गई है, कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी, बस सारा दिन लेटी रहती है। उसको देख के देखा नहीं जाता। पहले भी दुबली थी, अब और दुबली हो गई, जब खाना ही नहीं खा के दुबली तो हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो, जो लोग न्यू सब्सक्राइबर, मेरा न्यू वीडियो जो लोग देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।